चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा अपने ललाट पर घंटे की तरह चंद्रमा धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। इनका वाहन सिंह है और ये अपनी 10 भुजाओं में कई प्रकार के अस्त्र धारण करती हैं। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं में चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की, इसलिए माँ चंद्रघंटा को युद्ध की देवी भी माना जाता है।